गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके एमएस वर्ड के अंदर। कल हमने बात किया था आपके फॉन्ट सेक्शन के अंदर, हमने साइज के बारे में बात की थी और इसके चेंज केस यानी कि इसमें हम कैपिटल तरीके से लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। हमने टेक्स्ट को बोल्ड करके भी दिखाया था इटैलिक स्टाइल में, और अलग अलग लैंग्वेजेस में हम टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि जैसे हमारा दिया हुआ है कैपिटल ए, इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हमने ये सिलेक्ट किया, हमें यहाँ कुछ लिखना है। ठीक है, क्या करना है, कुछ भी लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पर हेरिटेज, चलो साइज को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहां से मैं साइज को बड़ा कर लूंगा। ठीक है, ये हमने लिखा है हेरिटेज, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ये है हमारा हेरिटेज, हमने लिखा है। ठीक है, इसको हम, अब देखिए ये पहले तो ब्लैक स्टाइल में था, ठीक है, अब ये देखिए अलग स्टाइल में आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहां से इसको सिलेक्ट किया है। यहां से अगर हम जो भी स्टाइल इसका चाहते हैं वहां से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसे गोल्डन कलर में यहां पर, तो हम एंटर देके लिखेंगे SCHOOL। देखिए हमारा स्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर कैपिटल ए का जो ऑप्शन है यहां पर क्लिक करके हम अपना कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कुछ आउटलाइन दी हुई है, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, ये क्या है, लिग्नेचर और स्टाइलिटिक सेट, यानी कि यहां पर हम अलग अलग स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम फर्स्ट वाले के ऊपर, किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर हम काम करते हैं, हम उसके ऊपर अलग से कोई कलर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं या फिर हम उसके अंदर कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस से, या तो यहां पर डबल क्लिक करो और इसको ड्रैग करो, ठीक है, ऐसे, या फिर आगे फर्स्ट में आप इसको ड्रैग करो और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, आउटलाइन। अब हम इसके आउटलाइन का मतलब है जो इसके जो चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ एक एक वर्ड के चारों तरफ हम क्या करेंगे, आउटलाइन अलग कलर की एक लाइन दिखाई देगी आपको। देखिए कैसे, अभी हम सिलेक्ट करते हैं इसको और हमने यहां क्लिक किया, आउटलाइन के ऊपर गए, हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ ब्लू कलर की आउटलाइन आए, तो ये देखिए देखिए आप इसके चारों तरफ ब्लू कलर की आउटलाइन आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम स्कूल के ऊपर लेकर आएंगे, सिलेक्ट किया हमने, यहां पर आउटलाइन के ऊपर गए हम और हमने यहां से कोई भी कलर उठा लिया, ग्रीन कलर उठाया। ठीक है, अब ये देखिए आउटलाइन के अंदर हमने इसको सिलेक्ट किया, ग्रीन येलो के चारों तरफ देखिए ग्रीन कलर का आ गया है। अभी दिखाते हैं हम आपको, अभी थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। यहां पर हम आउटलाइन नहीं चाहते तो आउटलाइन को हम कैंसिल कर सकते हैं, नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन कलर, यानी कि यहां पर हम कस्टम कलर लगा सकते हैं हमारी मर्जी से कि हमें कौन कौन से कलर चाहिए। ठीक है, अभी देखिए फिर से हम जाएंगे आउटलाइन के ऊपर। अब हम इस आउटलाइन को, इसकी विड्थ बढ़ाते हैं आउटलाइन की, हमारे हिसाब से हमने ये कर दी। ठीक है, अब देखिए कुछ दिखाई दिया आपको ग्रीन कलर का, इसके चारों तरफ हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आउटलाइन। जिस तरीके से ये
येलो सॉरी ब्लू है, हेरिटेज के ऊपर देखो ब्लू लाइन है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी येलो लाइन है। ठीक है, तो ये था आपका आउटलाइन का। अब हम क्या करेंगे कि हमें कुछ भी लिखना है, हमें सेंटेंस का जो भी वर्ड हम यहां लिखेंगे उसका हमें कलर चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे तो वो देखिए। जैसे इस तरीके से हेरिटेज लिखा हुआ है, इसके बैकग्राउंड का देखते हैं, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड हमने इसका ब्लू कर दिया। ठीक है, ये जो स्मॉल ए और बी का जो ऑप्शन है यहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि इसके जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो हाईलाइट हो जाता है, यानी कि हमें किसी भी टेक्स्ट को अगर अलग से हाईलाइट करके लिखना है तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है, हम कोई और कलर ले लेते हैं, हमने लिया ग्रीन, इसके ऊपर हम दूसरा कलर अप्लाई करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर ग्रीन अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम स्कूल के पीछे कोई टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो स्कूल के पीछे भी अप्लाई हो चुका है, समझ गए। इसी तरीके से हमारा टेक्स्ट अप्लाई होता है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा आपका हमने लिखा कनीना, ठीक है, हमने लिख दिया कनीना। इसके अंदर हम ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को अलग कलर में लिखना चाहते हैं तो हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल ए के ऊपर जाएंगे फॉन्ट कलर में, और यहां पर जो मर्जी हमारा टेक्स्ट होता है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहां पर जिस भी ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे ये उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, और हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा किस तरीके से हम इसके अंदर फॉन्ट के अंदर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर हम देखेंगे पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में, क्या है पैराग्राफ एरिया के बारे में देखेंगे। पैराग्राफ एरिया किस काम आता है, पहले हम सिलेक्ट करके पूरे को डिलीट करेंगे और इसका साइज छोटा करेंगे। ठीक है, साइज हम इसका थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, 26। ठीक है, अब ये देखिए इसके ऊपर फर्स्ट में ऑप्शन आ रहा है बुलेट्स का ऑप्शन। बुलेट का ऑप्शन किस लिए यूज होता है वो देखिए, बुलेट का ऑप्शन यूज होता है आपका जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, जैसे मैंने ये कोई पैराग्राफ लिखा, ये हमारे पास में एक पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, हमने ये एक पैराग्राफ लिख दिया है। ओके, अब इस पैराग्राफ को हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। किस तरीके से हम लिखेंगे इस पैराग्राफ को वो देखिए, ये हमारा एक पैराग्राफ है। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसके आगे हम कुछ पॉइंट करके, यानी कि कुछ एरो का निशान या कोई डॉटेड या कोई टिक मार्क का निशान लगाते हैं, कि जैसे हमने लिखा ये है हमारा, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देखिए डॉट का निशान आ गया है। अब हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर डॉट का निशान अप्लाई करते हैं, तब हम जैसे ही एंटर करेंगे यहां पर हमारा कुछ भी लिखा हमने, जैसे ही लिखते जाएंगे हमारा यहां पर क्या आएगा, डॉट का निशान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डॉट इसलिए होते हैं, हमारा जो भी पॉइंट हम लिखते हैं उसके अंदर हाईलाइट करता है कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई है और इसके नीचे इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर
कुछ और भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस तरीके से आप सर्कल का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, ये देखिए हमने किया, आपके सर्कल का ऑप्शन अप्लाई किया, कुछ भी हमने लिखा, एंटर किया, इस तरीके से आपका सर्कल आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बुलेट का ऑप्शन। अगर हम कोई और एरो का निशान लेकर आना चाहते हैं तो एरो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे टिक मार्क का निशान आए तो हमारा टिक मार्क हो जाएगा, जो चेक के लिए होता है। ठीक है, आप जो भी चाहते हो, यहां से ये फोर्थ स्क्वायर का है, स्टार टाइप का ये चाहते हो तो आप ये आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा नंबरिंग का। नंबरिंग देखिए कैसे होती है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम नंबर डालें, हमने इसको क्लिक किया नंबर हो गया। हम चाहते हैं एबीसीडी से करें तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा यहाँ एबीसीडी आ जाता है, और हम चाहते हैं कि स्मॉल एबीसीडी आए तो हमारा इसके नीचे स्मॉल एबीसीडी आ जाता है। यानी कि हमारे पॉइंट को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर उसको नंबरिंग देना चाहते हैं या आप उसको कुछ अल्फाबेट में उसको अलग से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें यहां से हमारा हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, ये है इसलिए यूज होता है, ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट हमारी किस लिए यूज होती है वो देखिए, कि जैसे हमने यहां पर हमारी हेडिंग है, इसके नीचे ये इसकी सब हेडिंग आ गई, और इसके नीचे हमारी कोई और सब हेडिंग आती है, उसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए किस तरीके से काम करेगा ये, हमने इसको अप्लाई किया, इस वाले को ले लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसकी लिस्ट यहां पर शो हो, तो हम किस तरीके से काम करेंगे, तो यहां पर हम हमारा अपना ये देखिए सब हेडिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हेडिंग और सब हेडिंग का ऑप्शन। ओके, सभी को सिलेक्ट किया हमने, बैक किया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन। ठीक है, अब ये किस लिए काम आता है, हमने जैसे यहां पर लिखा पोस्टिंग टैग हब। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहां पर लेके आएंगे। देखा क्या करता है ये, कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको राइट साइड में मूव करता है। ठीक है, यानी कि उसको राइट साइड में इंक्रीज करता है, और जो डिक्रीज इंडेंट है वो देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू दी मार्जिन। यानी कि जो मार्जिन हमारा जो यहां से जो हमारा पेज का जो आखिरी जो लाइन है यहां पर, यहां से लेकर जहां से हमारा लिखना स्टार्ट करते हैं इसके बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है, मार्जिन। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि मार्जिन किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो इस अब हम बात करते हैं आपके फॉन्ट के बारे में। देखिए अब हम चाहते हैं इसको लेफ्ट साइड मूव किया जाए तो लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, राइट साइड मूव किया जाए तो हम राइट साइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आता है हमारा पैराग्राफ, यानी कि हम हमारे जो पैराग्राफ को है या जो टेक्स्ट जो हमें लिखा हुआ है हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हेडलाइन के तरीके से लिख सकते हैं, फील्ड के तरीके से, यानी कि मोस्टली हम इसको यूज करते हैं पैराग्राफ के स्टाइल से। ठीक है, तो हम इसको पैराग्राफ के ऊपर ही रहने देंगे। अब देखिए हम इसको हटाते हैं और इसको पहले वाले साइज पर ही लेके जाते हैं। अब आता है हमारा नीचे अलाइन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या करता है, इसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ये होते हैं अलाइनमेंट, यानी कि हम अगर इस अलाइनमेंट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारा यहां से लेफ्ट साइड से लिखना
स्टार्ट करेगा। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं कि हमारा हेरिटेज स्कूल, हेरिटेज स्कूल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मौनपुर खनीना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा, लेफ्ट साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल, क्या है हमारा मिडिल अलाइनमेंट, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, जैसे हमने इसको बैक किया कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर वो सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनीना। देखिए यानी कि ये लेफ्ट सॉरी सेंटर से लिखता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ हमारे टेक्स्ट को मूव कराता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास में राइट अलाइनमेंट, ठीक है। राइट अलाइनमेंट क्या करेगा आपका, ये देखिए आपका कर्सर कहां पर है, राइट साइड में है। जो भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। देखिए राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे स्कूल कनीना, देखा आपने, यानी कि हम लेफ्ट सॉरी राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा जस्टिफाई का ऑप्शन। जस्टिफाई का ऑप्शन क्या करता है वो देखिए, जस्टिफाई का ऑप्शन है हमारा, जैसे हमने यहां पर कोई कुछ भी लिखा, हमने ऐसे ही आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख दिया यहां पर, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है हम अपने हिसाब से उसको लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हमने यहां पर लिख दिया, ओके। अब ये क्या करता है कि हमने पूरे को सेलेक्ट किया और जस्टिफाई के ऊपर क्लिक किया, तो ये क्या करेगा कि हमारा जितना भी ऑप्शन है उसको दोनों साइड से बराबर मार्जिन छोड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, यानी कि चारों तरफ से ये ऐसे लिखेगा कि बराबर आपका स्पेस बचेगा, ठीक है। अब देखिए कोई पैराग्राफ है, कोई भी हमारे पास में पैराग्राफ है, हम कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, एक हमने लिया एक पैराग्राफ, सॉरी हमने एक, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब देखिए इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी लाइन यहां एक्स्ट्रा निकलती हुई नहीं दिखाई देगी यहां पर, क्योंकि देखिए पहले से ही इसके अंदर जस्टिफाई का ऑप्शन क्लिक है, ठीक है। क्या है, जस्टिफाई का ऑप्शन क्लिक है इसके अंदर। तो ये क्या करता है कि हमारे पैराग्राफ को दोनों साइड से बराबर लिखने की परमिशन देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन, ये देखिए क्या है पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन। ये ऑप्शन किस लिए यूज होता है कि हम लाइंस के बीच में, ये जितनी भी लाइंस हैं हमारी, इनके बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं वो देखिए। जैसे हमने यहां पर क्लिक किया तो हम कितना स्पेस रखेंगे वो देखिए, हमने किया 1.5 तो हमारा स्पेस बढ़ गया, हमने किया 2.5 हमारा स्पेस और बढ़ गया, हमने किया 2.5 और भी बढ़ गया, 3 का किया हमारा तो हमारे पास में और भी ज्यादा स्पेस बढ़ गया है, देख रहे हो। इस तरीके से हम अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको लेके जाएंगे
वहीं डिफॉल्ट के ऊपर, ठीक है, जितना भी हम चाहते हैं इसका अपने हिसाब से हम लाइंस के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कलर का ऑप्शन। कलर क्या करता है, हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया और हम इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, हमने यहां पर फिल किया, देखिए क्या कर रहा है ये, हमारा बैकग्राउंड जो कलर है वो इसके अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। क्या करता है, बैकग्राउंड जो कलर है हमारा इसके अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज का, यानी कि बॉर्डर का। हम चाहते हैं कि ये देखिए इसके बॉर्डर आ गया, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई हो और वो भी किस तरीके से, लेफ्ट साइड का बॉर्डर हो या राइट साइड का बॉर्डर हो, ठीक है, या बीच में कोई बॉर्डर हो इस तरीके से, या अलग से आप कोई टेबल ड्रॉ करके कोई बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। देखो ओके, तो ये था हमारा बॉर्डर का ऑप्शन, और इसके अंदर कुछ और भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, डिलीट सेल करना चाहते हो तो डिलीट हो जाएगा, कुछ और करना चाहते हो आपका। ये था हमारा पैराग्राफ इन एरिया के बारे में, ठीक है। कल हम बात करेंगे आपका जो स्टाइल एरिया है इसके बारे में, ठीक है। किसके बारे में, जो आपका स्टाइल एरिया है इसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, जो आपका स्टाइल जो एरिया देके रखा हुआ है इसका हम बताएंगे कि हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।